हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोसेट फ्लावर इयररिंग्स। आज हम ये फ्लावर बनाएंगे, स्टोन इयररिंग्स है ये। फ्लावर डबल लेयर की बनी हुई है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोसेट थ्रेड, नीडल, सीजर, ग्लू, स्टूड, स्टॉपर, हाफ कट बीट्स। हमें चाहिए स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रिंग तरह से, धागा को घुमाएंगे, रिंग बनाएंगे। देखिए ये रिंग बन गई। अब हम यहाँ चेन बनाएंगे, चेन वन। अब इस रिंग में हम बनाएंगे 9 सिंगल क्रोशे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इस थ्रेड को खींचेंगे, टाइट करेंगे इसे, और फर्स्ट वाली स्टिच में हम लगाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब हम बनाएंगे चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी 3 चेन में 3 डबल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में फिर से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। अब जहाँ हमने चेन बनाई है, नेक्स्ट वाली चेन में यहाँ सिंगल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच लगाएंगे, देखिए पेटल्स बन गई। अब हम फिर से चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे,
नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट है ये। अब हम यहाँ लास्ट स्टिच है ये, स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। थ्रेड को खींचेंगे, यहाँ कट करेंगे इसको। देखिए कंप्लीट है। अब हम इसमें लगाएंगे स्टार्च। स्टार्च लेंगे और बैक साइड में से इस तरह से अप्लाई करेंगे। इस तरह से अब हम इसे शेप देंगे ऐसे। सारे पेटल्स को इस तरह से फैला देंगे थोड़ा सा इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर से हम स्टार सप्लाई करेंगे। और इसे इस तरह से रख के इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने देना है हमें। फ्रेंड्स, अब हम फ्लावर के मिडिल में ये छोटी सी फ्लावर बनी हुई है से बनाएंगे। इसके लिए हम बनाएंगे एक रिंग। इस तरह से चेन वन बनाएंगे। अब इस रिंग में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। थ्रेड को खींचेंगे, इसे टाइट करेंगे और फर्स्ट वाली स्टिच है ये, यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे। कंप्लीट है ये राउंड। अब हम
फिर से चेन वन बनाएंगे, सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू, नेक्स्ट और लास्ट स्टिच है ये, यहाँ भी हम सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे और यहाँ हम थ्रेड को चेंज करेंगे, कलर चेंज करना है हमें इस तरह से, स्लिप स्टिच लगाएंगे, कंप्लीट है ये। अब हम बनाएंगे टू चेन, वन टू, सेम स्टिच में इस तरह से थ्रेड को यहाँ पीछे करेंगे और सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, वन टू, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, वन टू, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, अब हम फिर से बनाएंगे टू चेन, वन टू, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, वन टू, टू चेन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, वन टू, टू चेन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, वन टू, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से वन टू, टू चेन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, वन टू, टू चेन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, वन टू, टू चेन, नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे, वन टू, टू चेन, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, वन टू, टू चेन, लास्ट स्टिच है ये, यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, थ्रेड को खींचेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, थ्रेड को भी यहाँ से कट करेंगे। देखिए कंप्लीट है ये इस तरह से, थ्रेड को अंदर इस तरह रखेंगे। अब हम ग्लू लेंगे, बैक साइड में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे करेंगे यहाँ इस तरह अंदर की ओर, एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम यहाँ से कट करेंगे, देखिए कंप्लीट है ये। देखिए फ्रेंड्स ड्राई हो चुकी है, हार्ड भी हो गई है, स्टार्च अच्छी तरह से लग चुकी है। इस तरह हमें दो पीस चाहिए, टू पीसेस, डबल लेयर है ये, पहले से हमने और एक पीस बना के रखे थे। अब हम
यहाँ थ्रेड को एक्स्ट्रा है, इसे कट करेंगे यहाँ से। इसमें भी एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे ताकि ये निकले नहीं, इस तरह से। अब हम स्टूड लेंगे, इस फ्लावर में सेंटर में यहाँ इस तरह से ग्लू लगाएंगे, स्टूड को यहाँ लगाएंगे मिडिल में। इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, फिर इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे इसको। नीचे टू पेटल्स के बीच में हम इसको रखेंगे सेंटर में इस तरह से, इसे करेंगे प्रेस। इस तरह से इसके ऊपर और थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। बीट्स को इसके ऊपर रखेंगे सेंटर में, इसमें थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। और इसको इसके ऊपर सेंटर में रख के इस तरह से ऐसे चिपका देंगे। इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इसको थोड़ा सा शेप देंगे इस तरह से। स्टार्स लगी हुई है, अच्छी तरह से हम शेप दे सकते हैं इसमें। हार्ड है ये, देखिए इस तरह से। इयररिंग्स रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे स्टॉपर। देखिए फ्रेंड्स, दोनों इयररिंग्स रेडी है।